फतेहपुर जिले के ललौरी थाना क्षेत्र के रहने वाली गैंग रेप पीड़िता अपने परिवारजनों के साथ एएसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की माने तो उसके साथ दो लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने छेड़खानी के मामले में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित पक्ष को टरका दिया था, जिसके बाद से आरोपी के घर वालों द्वारा मुकदमा वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। मुकदमा वापसी न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं इस मामले में डिप्टी एसपी राम प्रकाश ने बताया कि पीड़िता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष द्वारा मुकदमा वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। मुकदमा वापसी न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे द्वारा एसओ को निर्देशित किया गया है कि इस मामले की जाँच करा कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो ये विकास और मेरा जाए लैटरिन में बंद कर दिए हैं। विकास में हमारे साथ गया है काम के और नीरज हमें मुदावे हुए थे और हमारी दीदी आई, हमने चिल्लाई, मतलब कोशिश करके चिल्लाया तो दीदी आई, ये लोग भाग गए धमकाते हुए कि अगर पुलिस या किसी को कुछ कहा तो मार देंगे। एक लोगों ने गलत काम किया तुम्हारे साथ, फिर क्या हुआ? पुलिस थाने गई तुम? हाँ गए। क्या हुआ वहाँ? वहाँ गए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन लोगों ने पैसे दे दिए थे। तो मुकदमा काहे का दर्ज किया? मुकदमा क्या किसी का छेड़खानी का दर्ज कर लिया क्या? छेड़खानी, लेकिन हम लोगों ने रेप कर लिया। दर्ज पुलिस ने क्या किया, किस तहत मुकदमा किया? छेड़खानी। आज आई किससे मुलाकात हुई? क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला आपको हो जाएगा, कार्रवाई हो। स्लो सर। नलौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर पहले से ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन पीड़िता द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी का द्वारा उसको धमकी दिया जा रहा है। इसलिए थाना संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जांच पड़ताल शुरू करें।